बोलते बोलते बेटा खाना खा लिया कर, इसीलिए बोलते खाना खाया कर। अब अटका रहे वहीं पर ही, अब तेरे को कोई लेने नहीं आएगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम भाई लोग, क्या हाल चाल है। वी आर फाइनली बैक अनदर व्लॉग, और अभी हम लोग जा रहे हैं हुसैनी ब्रिज, रास्ते में ही है, बस अभी निकले हैं हम लोग अताबाद लेक से और बस हुसैनी की तरफ जा रहे हैं, हुसैनी ब्रिज की तरफ, और बस चलते हैं और यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो यार जब हम 2 साल पहले आए थे जब इतनी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं थी, लेकिन अब बहुत कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, क्योंकि जैसे मैं आप लोगों को अपने पिछले व्लॉग से दिखा रहा हूँ, इस करदू से मंजर में भी दिखा रहा हूँ कि रोड्स कितने कारपेटेड बन चुके हैं, नए नए रोड्स, और गंदगी भी नहीं है और सफ़र भी आसान हो गया। और कराची में तो यार इतनी गंदगी भी होती है और आए दिन कोई नई खबर सुनने मिलती है, कभी चोरी हो जाती, कोई कभी कुछ हो जाता है। तो यार कराची जाने का दिल नहीं चाहता, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे नज़ारे होते हैं और इतने साफ़ सुथरे मतलब जगह होती है, तो दिल नहीं चाहता वापस कराची जाने का। बस अभी हुसैनी ब्रिज चलते हैं। अभी हम आ गए हैं हुसैनी ब्रिज पे, और अब हम तो पहले आए हुए लेकिन इस बार वापस आ गए, और इधर हुसैनी जिप लाइन एंड स्काई साइकिलिंग भी है, तो बोर्ड भी लगा है, अंदर जाके देखने हैं हमें, और हाइकिंग करके जाना है, थोड़ी देर की हाइकिंग है, तो हाइकिंग करके जाना है, फिर जाके देखते हैं हुसैनी ब्रिज, और आप लोगों को भी दिखाते हैं, हमने तो पहले देखी हुई, आप लोगों को दिखाते हैं। ये देखें, ये है कच्चा रास्ता और ये हाइकिंग करने का रास्ता है, ऊपर जाने का हाइकिंग करते हैं तो, और ऊपर बहुत सारी दुकानें भी हैं। इस ब्रिज में देखें पूरे 1 स्टेप का फर्क है, लेकिन अंकल फिर भी हाथ छोड़ के मतलब आ रहे हैं, इनको आदत बन चुकी है, क्योंकि इनके आसानी के लिए बनाया था ये ब्रिज, और इनको आदत हो गई है यार हाथ हाथ पकड़े बगैर चलने, मुझे देख के डर लग रहा था तो पकड़ पकड़ के चल रहा था, आदत बन गई इन लोगों की। तो ये हुसैनी ब्रिज कब से? ये सन 62 में बनाया है। किसान है? ये आगे गांव है, आबादी उसके लिए बनाया है। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम है रहमत बेग। आप इधर क्या करना है? मेरा ड्यूटी है। किस चीज की ड्यूटी? बस ये लोगों को आगे जाना, फिर कभी कभार माना क्या मर्जी करता है, रोकना पड़ता है ना कि मेंटेनेंस हो रहा है इसकी। तो पानी कितना गहरा नीचे का? पानी इस वक्त कम है, ये गर्मियों में बहुत ज्यादा आता है, पानी भर जाता है, बंदा अगर नीचे जाएगा मरेगा नहीं। अभी यहाँ किसी फ्री करने का भी कोई नहीं।
और यहाँ से देखें ये मेहनत करके वहाँ से मतलब वहाँ से सामान वगैरह लाते हैं इस ब्रिज से। ये अंकल मेहनत कर रहे हैं, अंकल ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है। शुक्रिया अंकल। इसीलिए बोलते बेटा खाना खा लिया कर, इसीलिए बोलते खाना खाया कर, आप अटका रहे वहीं पर ही, अब तेरे को कोई लेने नहीं आएगा। ए, 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 मम्मी ए। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो रहा है। ए मम्मा वो ग्लास दे दो ना मुझको। मानी अब क्या कर रहे हो? नहीं है मानी, घबराओ नहीं। सबसे पहले तो घबराना नहीं है, इसीलिए बोलते खाना खाया कर, कचरे खाता रहता है, चर्बियां निकालता रहता है खानों में। बड़े बड़े में निकालो चर्बी। ये देखे मैं फंस गया और सब यार मेरे मजाक उड़ा रहे हैं, हर बंदा फंसा है मजाक उड़ाने में लगे हुए ये लोग यार, और ये अंकल मुझे बचाने के लिए जा रहे हैं। मतलब मुझे तो डर लग रहा था क्योंकि नीचे पानी था। हेलो पहुंच गया। इसीलिए बोलते बेटा खाना खाया कर। अब ये वहां जाके भी रुक जाएगा। हाँ तो भाई आपका भाई निकला नहीं है, अभी उधर ही अटका हुआ है। ये वीडियो पीछे से मम्मा ने बनाई वाली वीडियो देखो। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र आप कैसी थी? आप जो है ये अभी तो हम 3 साल पहले आए थे तो ऐसा कुछ भी नहीं था यहाँ से। नहीं नहीं 2017 से ही हमारे पास। अच्छा जी, शायद उस वक्त क्लोज होगा कुछ, क्योंकि हुसैनी ब्रिज हम गए थे तो यहाँ कुछ भी नहीं था, कुछ शॉप्स वगैरह कुछ भी नहीं थी। सारे शॉप्स तो नहीं थे, ये अच्छे भी थी। अच्छा जी सही। तो आपके पास सूप होता है? जी यहाँ के लोकल सूप दो। अच्छा और मेरे पास कॉफी होता है, ये स्पेशलिटी में मेरे पास है। अच्छा अच्छा और कॉफी और मशीन वाला भी है मेरे पास। आपके पास कॉफी टी सब वगैरह ये सब होता है? अच्छा ये आपके पास जो स्टोन्स है ये क्या ओरिजिनल है यहाँ के? जी जी बिल्कुल। अच्छा टेंकी के नाम होते हैं? मेमरीज ऑफ रॉक्स। यादगार कॉफी शॉप के नाम से ये इसका नाम रखा है। क्या नाम से? यादगार। याद मतलब याद ही याद ही पत्थर को जी। अच्छा ये जो नोट है ये क्या ओरिजिनल है सारे? जी जी ये सारे ओरिजिनल नोट है ये सब जो है? जी जी बिल्कुल। अच्छा तो ये क्या लिखने की वजह क्या है इसका? ये बस जो भी कस्टमर मतलब आपकी तरह जो भी कस्टमर आए ना अपनी यादें ही छोड़ते थे। अच्छा। मतलब वो उन लोगों का शौक है कोई मतलब इस तरह कोई बोझ नहीं। अच्छा शौक से बस अपना नाम लिखे यहाँ पे छोड़ दे और इसकी निगरानी के लिए उन्होंने मुझे 1000 रुपए फीस दिया। ये पूरा लॉन्ग लाइफ के लिए सेव है। जब कभी नेक्स्ट में आएंगे इंशाल्लाह जिंदगी दे तो आपकी मेमोरीज यहाँ पे होगा। अच्छा तो आप जो सूप अपना कह रही थी जो आपका स्पेशल सूप है ये किस टाइप का होता है? ये चिकन की यखनी से बनता है, मैक्रोनी नूडल्स वगैरह और साथ में चिकन के छोटे छोटे पीस उसमें डालते हैं और अंडे आपके मजाज के मुताबिक। अच्छा सही।
तो ट्राई कराएं, हम भी ट्राई करते हैं, फिर रिव्यू देते हैं आपका कैसा है। जी जी इंशाल्लाह जरूर। Not bad. अच्छा है, नूडल्स भी है इसमें, मैक्रोनी भी है और चिकन भी है इसमें, चिकन की यखनी से बना है तो मजे का है। अगर मसाला वगैरह अपनी पसंद से अगर डालना चाहे सॉस वगैरह तो डाल सकते हैं। रेडी तीसरे में तुम, चौथे में घूम। बिस्मिल्लाह नीचे, हाथ नीचे, हाथ नीचे। Ready? 3, 2, 1, pile! देखते हैं साथ भाई कैसे आ रहे हैं। जीप लाइन तो कल ही मजा आ गया और बहुत सांस फूल ली, क्योंकि अभी ऊपर चढ़ाई करके जाना है, नाश्ता पूरा चढ़ाई वाला है तो बहुत फूल ली, बहुत लंबा जाना है अभी तो सांस फूल ली। अब देखते हैं चाइना वार्डन नहीं जा रहे शायद, मुझे टाइम बहुत ज़्यादा दो तीन बज रहे हैं और वैसे भी नहीं जा रहा क्योंकि जाने में घर सफर हो जाएगा, मतलब ठीक नहीं है, कहीं भी सफर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जो रात ही हो जाएगी तो नहीं जा रहे शायद चाहे हमारा। तो यार बस आज के ब्लॉग का यहाँ पे एंड करते हैं और भाई आज के ब्लॉग में तो बहुत मस्तियाँ हो गई, तफरी हो गई, बहुत मज़ा आ गया आज के ब्लॉग में तो। और बस एंड करते हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।